अमदावाद स्थित भारत की नवीन डिजाइन एक्स यूनिवर्सिटी अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी साथ समझूती करार पर हस्ताक्षर कर्या छे। आ व्यूहात्मक भागीदारी नो उद्देश्य समग्र मीडिया अने मनोरंजन कला अने उत्पादन डिजाइन आरोग्य संशोधन अने उद्योग साहसिकता प्रोजेक्ट में नवीनता अने समुदाय जोड़ाण ने चलावानो छे। साथे अनंता विन्सी सेंटर शिफ्ट रिटेल लैब साथे सहयोग करनार भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी पण बनी छे। वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में है, उनके साथ ये जो पार्टनरशिप हमारी हुई है, ये इसका उद्देश्य है हमारे छात्रों साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी एक ऐसा अवसर मिले जो जिससे इनोवेशन और समस्याएं जो हैं उनको सुलझाने में हमारे छात्र आगे बढ़ें और हमारे शिक्षक भी आगे बढ़ें। तो ये वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिज़ाइन के क्षेत्र में, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका में काफ़ी आगे है और काफ़ी इसने प्रभाव डाला है और उनके अंदर ये काफ़ी एक्साइटमेंट है, वो काफ़ी उत्साहित हैं कि उनको ये अवसर मिल रहा है अनंत के साथ मिलकर काम करने का, क्योंकि अनंत ने डिज़ाइन का उपयोग प्रभाव के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। कोविड का समय हो या कच्छ में जो काम करते हैं मजदूर सॉल्ट पेंस में, उनके लिए रिहायशी घर बनाने का हो, तो समाज के की समस्याओं को सुलझाने में हमारे छात्र डिज़ाइन का उपयोग बहुत प्रभावशाली रूप से करते हैं और ये बात अब अमेरिका में भी काफ़ी संस्थानों में शिक्षकों को और छात्रों को पता है और यही कारण है कि हमारे काफ़ी पार्टनरशिप हैं। हम काफ़ी विश्वविद्यालयों के साथ, अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ, अफ्रीकी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो फ़ायदा ये होगा कि वो पुराना जो एक दृष्टिकोण था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान अकेले काफ़ी है, वो बात अब दूर हो गई है। पैंडेमिक कोविड में हमने देखा कि जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता जब आई कि हमको वैक्सीन बनाना है और वैक्सीन बनाने का समय आपको मिनिमम जो हुआ करता था वो 10-12 साल होता था, मगर उसको हमने एक साल में दुनिया ने बना दिया और ये तभी संभव हुआ जब अनेकों संस्थान अपने अपने तरीके से खोज करते करते और मिलकर उन्होंने बहुत ही कम समय में ये सॉल्यूशन निकाल लिया और वही पैटर्न है, वही तरीका है जो हम लोगों ने भी अख्तियार बनाया है कि मिलकर काम करेंगे तो अभी जो हमारी विश्व में समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकता है। अफ्रीका में लोग कैसे सोच रहे हैं, वहाँ के जो बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिएटिव स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो कैसे सोच रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे समस्याओं से लोग सोच करके उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो दुनिया भर में जहाँ भी समस्याएं हैं, समस्याएं अब लगभग एक हो गई, पानी नहीं है, गर्मी बढ़ गई, समुद्र जल बढ़ गया, तूफान आ गया, तो अब सबको मिलकर काम करना है और उसी उद्देश्य से हम लोग ये पार्टनरशिप को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं VCU के साथ। इससे छात्रों को फायदा ये होगा कि उनका जो इंटरनेशनल सेंटर है डिज़ाइन लर्निंग का, उसमें हमारे छात्र दुनिया भर के डिज़ाइन स्टूडेंट्स के छात्रों की तरह ही हिस्सा ले सकेंगे, अपने इनोवेशंस को का प्रदर्शन कर सकेंगे, अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा सकेंगे बाकी दुनिया की मदद से जो भी उनके काम से प्रभावित होते हैं। रिसर्च में उनको काफ़ी मदद मिलेगी, जैसे VCU के जो छात्र होंगे और रिसर्चर्स होंगे उनको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके उनको मदद मिलेगी। तो ज्ञान अब वन वे, इट्स नॉट ऑलवेज टॉप डाउन कि हमको दूसरे जो डेवलप संसार में जो लोग हैं वही ज्ञान देंगे, अब ऐसी बात नहीं रही, अब वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ आकर हम क्या सीखेंगे। तो अभी वहाँ यही है, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी जो जिसके साथ हमारे की पार्टनरशिप है, उसके मास्टर्स के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं जो हम लोग बैचलर्स में पढ़ते हैं,
बैचलर बीडेस में जो पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा इसमें आपने काफी काम किया है। ये विज्ञान का भी जो होता है ना कि इसमें आपने काफी कर लिया, हम यहां पर हैं मगर हम आपसे शेयर करेंगे अपनी जानकारी। तो एक वैसी ही दुनिया है डिजाइन की, क्योंकि इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य दुनिया बचाना है। और अभी एक ऐसी परिस्थिति है कि काफ़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, और वो डिज़ाइन हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, लिबरल आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इन सब के समन्वय ही से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो बहुत फायदा होगा छात्रों का, शिक्षकों का, शोधकर्ताओं का और समाज का। ओके सर।